बीजेपी हिंदुओं वाली पार्टी मानी जाती है। बीजेपी ने इस पहचान से कभी परहेज नहीं किया, इसलिए जब पार्टी या सरकार में कोई मुस्लिम प्रमोशन पाता है उसकी हेडलाइन बनती है। लोकसभा चुनाव से पहले 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आई तो एक नाम अब्दुल सलाम हेडलाइन में है। हो सकता है कि आगे आने वाली लिस्ट में किसी और मुस्लिम उम्मीदवार को बीजेपी का टिकट मिल जाए, या ये भी हो सकता है कि उम्मीदवारों की लिस्ट में अब्दुल सलाम अकेले मुस्लिम उम्मीदवार रह जाए। Your name was announced as the candidate in Malappuram. Interestingly, yours was the only Muslim name that featured in the 195 candidate list that was announced by the BJP. How do you look forward to the election? Now, first of all, I consider it as a recognition to me from the central BJP leadership. You know, there are 19 crores of Muslims in the country. In the first list, they picked me up. I'm glad, I'm thankful. That's number one. केरल की 20 में से जिन 12 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित हुए हैं, अब्दुल सलाम को बीजेपी ने केरल की मलप्पुरम लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। 68 साल के अब्दुल सलाम केरल के त्रिशूर के रहने वाले हैं। बायोलॉजी उनका सब्जेक्ट रहा है, जिसमें 153 रिसर्च पेपर और 13 किताबें लिखी। 2011 से लेकर 2015 तक कालीकट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। अब्दुल सलाम का कार्यकाल विवादों में रहा है। उन पर यूनिवर्सिटी की जमीन बेचने और बिना प्लस टू किए छात्रों को डिग्री कोर्स में एडमिशन देने के भी आरोप लगे हैं। टीचर्स और स्टूडेंट्स यूनियन से इसलिए नहीं बने क्योंकि वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स के ना सिर्फ खिलाफ रहे बल्कि बैन लगाना भी चाहते थे। मोदी से प्रभावित होकर अब्दुल सलाम अकेडमिक करियर से पॉलिटिक्स में आए और 2019 में बीजेपी ज्वाइन की थी। 2021 का केरल विधानसभा चुनाव लड़ते समय उन्होंने संपत्ति 6 करोड़ से ऊपर घोषित की थी। हालांकि मेमोम विधानसभा सीट पर उन्हें मुस्लिम लीग उम्मीदवार से करारी हार मिली थी। जिस मलप्पुरम सीट से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, वहां मुस्लिमों की आबादी 70% से ज्यादा है। बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट ये है कि अब्दुल सलाम मुस्लिम है। माइनस पॉइंट ये है कि 1952 से 2019 तक एक चुनाव छोड़कर हर चुनाव मुस्लिम लीग के उम्मीदवार ने जीता है। केरल में कांग्रेस मुस्लिम लीग में अलायंस है। सीट शेयरिंग फॉर्मूले में मलप्पुरम सीट मुस्लिम लीग के खाते में रहती है। 20 साल में मलप्पुरम से 4 लोकसभा चुनाव और 2 उपचुनाव हुए। एक को छोड़कर बीजेपी ने मुस्लिम बहुल सीट पर बदल बदल कर हिंदू उम्मीदवार उतारने का प्रयोग किया। प्रयोग हर बार फेल रहा। बीजेपी बड़े अंतर से तीसरी पोजीशन से आगे नहीं बढ़ी। बीजेपी को 6-7% वोट शेयर के साथ 60-70 हजार वोट मिलते रहे। बीजेपी को उम्मीद होगी जो पहले किसी ने नहीं किया वो इस बार अब्दुल सलाम करा के दिखाएंगे। अब्दुल सलाम का ग्राफ ऐसे समय बीजेपी में ऊपर उठ रहा है जब कोई मुस्लिम नेता पार्टी की फ्रंट लाइन पर नहीं है। बीजेपी में अघोषित व्यवस्था रही है और हर दौर में एक दो मुस्लिम पार्टी की पहली दूसरी लाइन में ही रहे हैं। अटल अडवाणी वाले दौर में आरिफ बेग सिकंदर भक्त होते थे, फिर शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी रहे। क्या अब्दुल सलाम इनमें से किसी की जगह लेने के लिए तैयार किए जा रहे हैं? So there's a general perception or there's a general allegation that BJP is a party of the majority community. It's anti-Muslim and, the ideology is the Hindutva ideology. So is it just that Prime Minister Modi's achievements and persona that attracted you to the party or something else also? I tell you, I am entirely attracted to the phenomenon of Modi, the principles of Modi, the philosophy of Modi, the techie Modi, the digital Modi, you know, the Modi model of quick development of the country. In fact, honestly, I tell you, I have not really initially joined BJP. I was embracing Modi ji. I was so passionate about that person. In that process, I have landed BJP. Now I am a full BJP man. आरिफ बेग बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं, बीजेपी के टिकट पर कई चुनाव भी लड़े हैं, जीते भी हैं। सिकंदर भक्त ऐसे मुस्लिम नेता रहे जिनके सबसे ज्यादा पूछ रही है। शुरू से बीजेपी के साथ रहे हैं, पार्टी महासचिव, उपाध्यक्ष, राज्यसभा में विपक्ष के नेता जैसे बड़े पदों पर भी रहे हैं। वाजपेयी सरकार में विदेश मंत्री भी बनाए गए। 2002 में राजनीति से रिटायर होने तक केरल के राज्यपाल रहे हैं। आरिफ बेग सिकंदर भक्त का दौर जाने से पहले बीजेपी में 2 नए नौजवान मुस्लिम चेहरों ने एंट्री ले ली थी, शहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी। दोनों को वाजपेयी ने अपनी सरकार में मंत्री बनाया। शहनवाज हुसैन मुस्लिम बहुल सीट से
किशनगंज और मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर से चुनाव जीते थे। जब लोकसभा चुनाव नहीं जीते तो राज्यसभा भेजकर अहमियत बनाए रखी। मोदी लहर में 2014 का चुनाव हारने से शहनवाज हुसैन से बड़ा झटका लगा। पार्टी ने राज्यसभा ना भेजकर बिहार की राजनीति करने पटना भेज दिया। मुख्तार अब्बास नकवी 2022 में राज्यसभा के साथ साथ मोदी सरकार से भी ड्रॉप हो गए। आज मोदी सरकार में ना तो कोई मुस्लिम मंत्री है ना सांसद। बरसों तक कांग्रेस में रही नजमा हेपतुल्ला कुछ वक्त तक बीजेपी में रही लेकिन कभी चेहरा नहीं बनी। अगर अब्दुल सलाम बीजेपी के लिए केरल जैसे मुश्किल राज्य से जीत आए तो उनके लिए बड़ा मौका बनेगा दिल्ली की राजनीति में। लेकिन इसके लिए केरल से बीजेपी और अब्दुल सलाम दोनों की ही जीत जरूरी है।